सीएम योगी ने रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा की। जनसभा में उन्होंने जनता से अपील की कि रायबरेली के सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी को जिताकर पीएम मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा द्वारा रायबरेली में कांग्रेस द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाने पर सीएम योगी ने कहा कि रायबरेली का विकास सही मायने में पीएम मोदी ने कराया है। एम्स और रेल कोच फैक्ट्री उन्हीं की वजह से आज चल रही है। उन्होंने इशारों में कहा कि पाकिस्तान की हिमायत करने वाले लोगों की यहां नहीं बल्कि पाकिस्तान में जरूरत है। नेत्री का बयान में पढ़ रहा था, कल कह रही थी कि मोदी जी बताए तो 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया। आज अगर रायबरेली में एम्स है तो इसका पैसा भी मोदी जी दिए हैं, और ये रेल कारखाना है इसके आधुनिकीकरण इसके विस्तारीकरण का पैसा भी मोदी जी दिए हैं, इसके उद्घाटन में मोदी जी स्वयं भी आए थे। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या विकास के वे सारे कार्य आज ये मोदी जी के कारण हो रहे हैं। कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं IIIT, कहीं पे NIT, कहीं पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। हर जिले में हर घर नल की योजना बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। विकास के ये कार्य, कितना कार्य हुआ है देखना है तो कांग्रेस के नेता नोट करें।